दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 2018 के ऊपर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जेई मेंस के की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जेई मेंस का क्या पैटर्न है, उसका क्या सिलेबस है, जेई मेंस में क्या न्यू चेंजेस आए हैं और जेई मेंस के इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। इम्पॉर्टेंट डेट्स में हम बात करेंगे कि उसका एग्जाम कब है, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए, आइए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो का सफर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जेई मेन एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर 23 CFTIs यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, 23 IITs आती हैं और 31 NITs आती हैं। दोस्तों, जेई मेन्स का पेपर दो उसके अंदर कंडक्ट किया जाता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में। जो पेपर फर्स्ट है वो हमारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यानी बीटेक के लिए, और जो पेपर टू है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी बीआर के लिए होता है। दोस्तों, जेई मेंस में आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप जेई मेंस को एक स्क्रीनिंग समझ सकते हैं जेई एडवांस के लिए। दोस्तों, ये पिछले 6 सालों का जेई मेन रजिस्ट्रेशन का कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन का है, कुछ डेटा है मेरे पास। जैसे 2012 में 12,20,000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 2013 में 12,82,000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 2014 में 13,56,000, जबकि 2015 में 13,04,217, 2016 में 12,07,257 एंड 2017 में 11,98,999 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर एग्जाम देना है जेई मेंस में, तो आप 12th या 12th के इक्विवेलेंट पास होने चाहिए। जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 दिसंबर को निकलना था, जो कि निकल चुका है और इसके बंद भी हो गया है 1 जनवरी को। हाँ, इसका ऑफलाइन मोड जो का जो पेपर है वो 8 अप्रैल को है और इसका ऑनलाइन पेपर जो होगा वो 15 एंड 16 अप्रैल को होगा। दूसरी एप्लीकेशन फीस है जेई मेंस के उसके लिए 1000 रुपीस बॉयज को देना होता है एंड गर्ल्स को और अदर कैटेगरीज को 500, जबकि अगर आप ऑनलाइन में अगर एग्जाम देंगे तो बॉयज को 500 रुपीस देना होगा, जबकि गर्ल्स एंड ऑल अदर कैटेगरीज को 250 रुपीस पे करना होता है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज लिमिट अक्टूबर 1993 के बाद होनी चाहिए, मिनिमम 75% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए और 10% का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरीज को। पासिंग ईयर जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 15 से 18, और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आप जेई मेंस का दे सकते हैं वो दे सकते हैं मैक्सिमम 3। दोस्तों, मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो पेपर फर्स्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है जो इंजीनियरिंग का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर 90 होते हैं, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे इन तीनों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 360 का है। अगर किसी कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन सही किया है तो उसे 4 मार्क्स में अवॉर्डेड किया जाएगा, अगर उसने कोई भी एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसे -1 नेगेटिव मार्क्स से अवॉर्डेड किया जाएगा। जेई मेंस में अगर पेपर टू की हम बात करें तो ये एक ऑफलाइन मोड पेपर है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं 82 और ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होते हैं और 2 ड्राइंग टेस्ट होते हैं। इसमें भी आपको 3 आवर्स कंप्लीट मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का बनता है 390, और इसके अंदर आपके हर एक क्वेश्चन सही के लिए 4 मार्क्स अवॉर्डेड होंगे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क्स दिए जाएंगे। जेई मेंस का अगर सिलेबस की बात करें तो जेई मेंस का सिलेबस सेम होता है 11th और 12th का ही, जो कि CBSE ने प्रिस्क्राइब कर रखा है हमें।
दोस्तों अगर जेईई मेंस रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो 27% रिजर्व कैटेगरी होती है ओबीसी जो कि एनसीएल से बिलोंग करते हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% का रिजर्वेशन है जबकि एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी का है 3%। दोस्तों ये कुछ पिछले 5 साल के जेईई मेंस के कट ऑफ है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 2013 में 113 मार्क्स का कट ऑफ आया था जबकि 2014 में 115 का, 2015 में 105 का, 2016 में 100 का और लास्ट ईयर जो कट ऑफ आया है वो आया है 81 का। दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट्स का जो कि एनसीएल से बिलोंग करते हैं उनमें 2013 में 70 मार्क्स का, 2014 में कट ऑफ आया 74 मार्क्स का, 2015 में कट ऑफ आया 70 मार्क्स का, 2016 में कट ऑफ आया 70 मार्क्स का एंड जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ आया वो आया 49 मार्क्स का। ऐसे कैंडिडेट्स की अगर दोस्तों बात करें तो 2013 में उनका कट ऑफ आया था 50, 2014 में कट ऑफ आया था 53, 2015 में कट ऑफ आया है 50, 2016 में कट ऑफ आया है 52 एंड लास्ट ईयर की बात करें तो कट ऑफ आया है 32 मार्क्स। एसटी कैंडिडेट्स के दोस्तों अगर बात करें तो 2013 में कट ऑफ आया था 45, 2014 में कट ऑफ आया है 47, 2015 में कट ऑफ आया 44, 2016 में कट ऑफ आया 48 एंड लास्ट ईयर की बात करें 2017 की तो उसमें कट ऑफ आया था 27। दोस्तों जो कुछ चेंजेस आए हैं जेईई मेंस में वो ये आए हैं कि अब कोई स्टूडेंट जिस कोई कैंडिडेट्स अगर उसको डायबिटीज है तो डायबिटीज के टैबलेट्स लेके जा सकता है, अपनी वाटर बॉटल लेके जा सकता है एंड कुछ फ्रूट्स लेके जा सकता है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जो कि पहले नहीं था। इस साल 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्क्रीन करेंगे, पहले 220,000 को कैंडिडेट्स को लेते थे, इस साल से 224,000 कैंडिडेट्स वो स्क्रीनिंग में लेंगे। इस बार सीएफटीआई इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ रहे हैं, पहले 20 ही हुआ करते थे, इस बार से 23 होंगे। और दोस्तों एग्जाम सेंटर की बात करें तो किसी एक सिटी में पहले 113 सेंटर्स पढ़ते थे लेकिन अब से 258 सेंटर्स पढ़ेंगे। और जो पेपर है वो कई 8 न्यू लैंग्वेजेस में भी आए हैं जैसे गुजराती, तमिल, इन सब में भी आप दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें कि क्या डेट्स आए हैं इम्पोर्टेंट, तो जेईई मेन 2018 का जो अगर जो नोटिफिकेशन आया था 20 नवंबर को आ गया था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर को आया था, उसकी लास्ट डेट जो थी 1 जनवरी थी। जेईई मेंस का जो करेक्शन विंडो आएगा वो इस मंथ के 3rd week of January में आ जाएगा, उसका एडमिट कार्ड जो होगा वो 2nd week of March में आएगा। ऑफलाइन एग्जाम का जो डेट है वो आपका 8 अप्रैल को है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15 और 16 अप्रैल को होगा। जेईई मेन का रिजल्ट डेट जो अनाउंस किया जाएगा वो किया जाएगा 30 अप्रैल को। और जेईई मेन की जो ओएमआर शीट जो आप लोग देख सकते हैं अपनी और आंसर की इससे मैच कर सकते हैं वो आएगा 24 से 27 अप्रैल के बीच में। और जो डिक्लेरेशन होगा जेईई मेन्स का ऑल इंडिया रैंक का वो 30 जून से पहले पहले हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों आप ये इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें कॉलेज ऑप्शन को और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मिले। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।